आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम फाइंड करेंगे पीआई। इसके लिए अगर इक्वल की वैल्यू यानी कि क्यू की वैल्यू एक्स मल्टीप्लाई वी की फॉर्म में है, इट मीन्स वन अपॉन एफ डी एक्स वी, इसके लिए अगर हमें पीआई कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स माइनस वन अपॉन एफ डी और इसी का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में, और कंप्लीट के मल्टीपल में क्या देगा, वन अपॉन एफ डी और वी, एक्स मल्टीप्लाई वी है। हमने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन किए थे उस क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, हमारे पास टोटल वैल्यू थी e की पावर ए एक्स साइन ए एक्स या कोस ए एक्स और x की पावर n के फॉर्म में, ये क्यू की वैल्यू थी। हमने लास्ट वीडियो में e की पावर ए एक्स के साथ साइन आ जाए कोस आ जाए या x की पावर n आ जाए तो क्वेश्चन को सॉल्व किया था, x के मल्टीपल में अगर साइन या कोस आ रहा है, इसे हम ई रेस्ट पावर के लिए भी कर सकते हैं कि x के मल्टीपल में ई रेस्ट पावर आ जाए, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दिस x माइनस वन अपॉन एफ डी एफ डैश डी वन अपॉन एफ डी मल्टीप्लाई वी का, ओके। और ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ x मल्टीप्लाई वी के लिए होगा, अगर एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई वी आ गया, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई वी आ जाए एंड सो ऑन, अगर x की हाइएस्ट पावर आ जाए, लीनियर की जगह x की हाइएस्ट पावर के साथ v आ जाए, तब इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे x v के लिए pi को कैलकुलेट करना। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है डी स्क्वेयर माइनस टू डी प्लस वन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। तो सबसे पहले हमें पता है y का सॉल्यूशन क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई होता है। यहां पर सी एफ के लिए कैलकुलेशन करें तो सी एफ के लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम d की जगह m लिख लिया, एम स्क्वेयर माइनस टू एम प्लस वन इजिकल टू जीरो, जिसे हम m माइनस वन का होल स्क्वेयर इजिकल टू जीरो लिख सकते हैं, इट मीन्स m इजिकल टू वन एंड वन। m की वैल्यू सिमिलर है तो सी एफ क्या हो जाएगा, सी वन प्लस सी टू एक्स ई रेज टू पावर एक्स, ओके। नाउ पी आई के लिए कैलकुलेशन करें तो पी आई किसके इक्वल होगा, वन अपॉन एफ डी यानी डी स्क्वेयर माइनस टू डी प्लस वन, और क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एक्स साइन एक्स, ओके। वैल्यू ऑफ क्यू इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अब अगर एक्स के मल्टीपल में वैल्यू आ रही है तो अभी हमने फॉर्मूला किया था वन अपॉन एफ डी एक्स मल्टीप्लाई वी इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एफ डी और इसी का डेरिवेटिव एफ डैश डी मल्टीप्लाई वन अपॉन एफ डी और वी, इसी फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे पी आई में। तो पी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो एक्स माइनस, इस एक्स में कोई चेंज नहीं होगा, वन अपॉन एफ डी डी स्क्वेयर माइनस टू डी प्लस वन, इसी का अगर हम डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा, डी स्क्वेयर का टू डी और टू डी का टू, अगेन वन अपॉन एफ डी डी स्क्वेयर माइनस टू डी प्लस वन मल्टीप्लाई वी की जगह क्या है हमारे पास, साइन एक्स है, ओके। तो पी आई इज इक्वल टू इसे सॉल्व करेंगे अगर हम तो एक्स माइनस डी स्क्वेयर माइनस टू डी प्लस वन, इसे हम क्या लिख सकते हैं, डी माइनस वन का होल स्क्वेयर, यहां से टू कॉमन तो डी माइनस वन, ब्रैकेट के बाहर क्या है, साइन में क्यू की वैल्यू है और वन अपॉन एफ डी की फॉर्म है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर डी स्क्वेयर की जगह माइनस वन का स्क्वेयर पुट करना है, तो देखो क्या आएगा, माइनस वन माइनस टू डी प्लस वन और साथ में साइन एक्स, ओके। पी आई इज इक्वल टू एक्स माइनस यहाँ पर डी माइनस वन से डी माइनस वन कैंसिल, टू डिवाइड में डी माइनस वन, यहाँ पर माइनस वन और प्लस वन कैंसिल, क्या बचा, माइनस वन अपॉन टू डी और साइन एक्स, माइनस हाफ को बाहर ले ले, बाहर लिख लें, माइनस हाफ को बाहर लिखा तो एक्स माइनस टू अपॉन डी माइनस वन, यहाँ पर क्या बचा, वन अपॉन डी साइन एक्स, डी का मीन्स डिफ्रेंशिएशन, वन बाय डी का मीन्स इंटीग्रेशन, तो एक्स माइनस टू अपॉन डी माइनस वन साइन एक्स का इंटीग्रेशन रे तो माइनस कोस एक्स, तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर क्या आ गया, कोस एक्स, ब्रैकेट खोल दें तो ब्रैकेट खोलने पर क्या आएगा, पी आई इज इक्वल टू
वन अपॉन टू ब्रैकेट खोला तो एक्स के साथ कोस एक्स, और माइनस में टू अपॉन डी माइनस वन के साथ कोस एक्स। नेक्स्ट पी आई इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स कोस एक्स माइनस कोस में वैल्यू है अपॉन में डी है, तो क्या करना है हमें, डी प्लस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कोस एक्स। पी आई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स कोस एक्स माइनस में टू डी प्लस वन डिवाइड में डी स्क्वायर माइनस वन कोस एक्स। अब कोस में वैल्यू है डी स्क्वायर आ रहा है, तो डी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस वन का स्क्वायर टू डी प्लस वन डी स्क्वायर की जगह है, अभी हमने पीछे किया था ना माइनस वन आएगा, तो माइनस वन का स्क्वायर मीन्स माइनस वन कोस एक्स। अपॉन में वैल्यू क्या आ रही है, माइनस वन मीन्स माइनस टू, और मल्टीपल में भी माइनस टू है, तो ये माइनस टू से माइनस टू कैंसिल, डी प्लस वन कोस एक्स। ब्रैकेट ओपन करें तो हाफ ऑफ एक्स कोस एक्स प्लस डी कोस एक्स प्लस कोस एक्स। डी का मीन्स क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है, तो एक्स कोस एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव करना है, क्या होता है माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, जो कि पी आई की वैल्यू हो गई। तो सॉल्यूशन क्या होता है लास्ट में, वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, हैंस वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ की वैल्यू क्या थी हमारे पास, सी वन प्लस सी टू एक्स ई रेस्ट पावर एक्स, और पी आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, हाफ ऑफ एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस में कोस एक्स, जो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ओके, आगे समझ में, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डी स्क्वेयर माइनस टू डी प्लस वन वाई इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स। हमने अभी फॉर्मूला क्या किया, एक्स के मल्टीपल में अगर वैल्यू आ जाए, और लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मूला क्या किया था, अगर ई एक्स के मल्टीपल में वैल्यू आ रही है तो यहाँ पर हम x के मल्टीपल की वैल्यू से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और e की पावर ए एक्स मल्टीपल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सबसे पहले हमें पता है y किसके इक्वल होता है, सी एफ प्लस पी आई के इक्वल होता है, और सी एफ, सी एफ के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने सेम क्वेश्चन किया था ना, एम स्क्वेयर माइनस टू एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो मीन्स एम माइनस वन का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, एम की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, वन और वन, तो सी एफ क्या हुआ, सी वन प्लस सी टू एक्स ई रेस्ट पावर एक्स। ओके, पी आई इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन डी स्केयर माइनस टू डी प्लस वन यानी वन अपॉन एफ डी, और एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स। ओके, अब यहाँ पर हम इसे किस तरह से करेंगे, इसे हम लिख रहे हैं डी माइनस वन का होल स्केयर एक्स ई की पावर एक्स, मैं इसे लिख रही हूँ ई की रेस्ट पावर एक्स और एक्स साइन एक्स। इट मीन्स e की पावर ए एक्स और v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम, वन अपॉन एफ डी ई रेस टू पावर ए एक्स और v का, तो v की जगह हमारे पास क्या है, v की जगह हमारे पास क्या है, x साइन x, v की वैल्यू क्या है, x साइन x। ओके, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास, वन, फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन एफ डी प्लस ए, इट मीन्स ई की पावर ए एक्स सोल्व हो जाएगा, वी रह जाएगा, तो इसी फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो पी आई इज इक्वल टू, अब ई की पावर ए एक्स, ए की जगह वन है, तो हमें क्या करना है, डी की जगह डी प्लस वन पुट करना है, जब हम डी की जगह डी प्लस वन पुट कर लेंगे तो ई की पावर एक्स सोल्व हो जाएगा, वन अपॉन d की जगह d प्लस वन रखा तो d प्लस वन माइनस वन का होल स्केयर। अब e रेस्ट पावर x तो सॉल्व हो चुका है, यहाँ पर क्या रह गया, x साइन x रह गया, तो e रेस्ट पावर x प्लस वन माइनस वन कैंसिल, वन बाय डी स्केयर और x साइन x। ओके, अब यहाँ पर क्या बचा, e रेस्ट पावर x, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, x मल्टीप्लाई v का, जिसे हमने अभी किया था, तो x मल्टीप्लाई v का फॉर्मूला x माइनस वन अपॉन एफ डी, जो कि डी स्केयर है, इसी का डेरिवेटिव टू डी और वन अपॉन एफ डी मल्टीप्लाई साइन एक्स। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था ना,
देखो क्या आएगा सॉल्यूशन, यहाँ पर डी से डी कैंसिल, तो पी आई इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स, एक्स माइनस टू अपॉन डी, वन अपॉन डी स्केयर। अब डी स्केयर की वैल्यू हमें क्या रखनी है, माइनस वन का स्केयर, तो डी स्केयर की वैल्यू माइनस वन का स्केयर पुट की साइन एक्स, क्या रह जाएगा हमारे पास माइनस वन, माइनस को स्टार्टिंग में ले जाओ, ई रेस्ट पावर एक्स, एक्स माइनस टू बाई डी और साइन एक्स, तो क्या आएगा यहाँ पर एक्स साइन एक्स माइनस टू बाई डी साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस ई रेस्ट पावर एक्स, एक्स साइन एक्स माइनस में टू बाई डी साइन एक्स, अपॉन डी का मीन्स क्या होता है इंटीग्रेशन होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कोस एक्स टू कोस एक्स। ओके पी आई की वैल्यू माइनस ई रेस्ट पावर एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस टू कोस एक्स, तो सॉल्यूशन क्या हो गया हमारे पास y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ की वैल्यू क्या थी हमारे पास सी वन प्लस सी टू एक्स ई रेस्ट पावर एक्स, और पी आई की वैल्यू माइनस ई रेस्ट पावर एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस टू कोस एक्स, जो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अगर सामने ये क्वेश्चन हमने किसके लिए किए है, अगर x के मल्टीपल में v आ जाए, अगर x की जगह x स्क्वायर आ रहा है, x क्यूब आ रहा है या x की पावर आ रही है, कोई भी वन को छोड़कर, देन क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में करवाती हूँ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डी फोर प्लस टू डी स्क्वायर प्लस वन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोस एक्स। अब यहाँ पर अगर x मल्टीप्लाई कोस एक्स होता तो हम पीछे वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, बट यहाँ पर x नहीं है एक्स स्क्वायर है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग तो हमारी वही होगी y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। फॉर सी एफ, सी एफ के लिए हम क्या करेंगे, एम फोर प्लस टू एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इसे हम क्या लिख सकते हैं एम स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, मीन्स एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल जीरो एंड सिमिलर वैल्यू एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो एम स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन या एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आइटा। तो सी एफ देखो यही वैल्यू रिपीट होगी ना एम की, प्लस माइनस आइटा, तो सी एफ क्या होगा आइटा में वैल्यू आ रही है रिपीट हो रही है, तो हम लिखेंगे सी वन प्लस सी टू एक्स, क्योंकि इसका रियल पार्ट जीरो है कोस एक्स, प्लस में सी थ्री प्लस सी फोर एक्स और साइन एक्स, ये सी एफ हुआ। अब पी आई कैलकुलेट करना है, तो पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन डी फोर प्लस टू डी स्केयर प्लस वन एक्स स्केयर कोस एक्स। अब अगर एक्स स्केयर आ जाए तो एक्स स्केयर के साथ हमारे पास क्या होगा, या तो कोस होगा या साइन होगा। अब इस कोस या साइन को हम किस तरह से चेंज करेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा e की पावर आयोटा एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स के इक्वल होता है, और कोस एक्स की वैल्यू का अगर हम यहां से डिफाइन करें या साइन एक्स की वैल्यू को यहां से डिफाइन करें तो किस तरह से लिख सकते हैं। अब यहां देखो ये रियल पार्ट है, इसमें आयोटा आ रहा है, तो इसे हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। कोस एक्स क्या है हमारे पास, e की पावर आयोटा एक्स का रियल पार्ट है, और e की पावर आयोटा एक्स का इमेजिनरी पार्ट क्या है साइन एक्स है, तो हम कोस एक्स को लिख सकते हैं e की पावर आयोटा एक्स का रियल पार्ट, और साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं e की पावर आयोटा एक्स का इमेजिनरी पार्ट, लिख सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये रियल पार्ट होता है ये इमेजिनरी पार्ट होता है, तो कोस एक्स मीन्स e की पावर आयोटा एक्स का रियल पार्ट, साइन एक्स मीन्स e की पावर आयोटा एक्स का इमेजिनरी पार्ट। जब भी हमारे पास x से x की पावर n की फॉर्म में इक्वेशन आ जाए जिसमें n की वैल्यू 1 नहीं है, तो उसके लिए हमें मल्टीपल में कोस या साइन को कन्वर्ट किस में करना होगा, e की पावर आयोटा में, तो d4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1 तो ft था x स्क्वायर, हम इस cos x की जगह क्या लिखेंगे e की पावर, हम इस cos x की जगह क्या लिखेंगे e की पावर आयोटा x का रियल पार्ट, cos x का मीन्स रियल पार्ट है ना, और हमें कैलकुलेशन लैंग्वेज के लिए नहीं करनी है, इसके लिए करनी है, तो हमने का रियल पार्ट इसे ब्रैकेट में रख लिया, इट मीन्स रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x, ठीक। तो 1 अपॉन d4, इसके हमने अभी पार्ट्स के थे d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर ई की पावर आईटा एक्स, जैसे हम ई की पावर आईटा एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और साथ में का रियल पार्ट। ओके, अब क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया, ई रेस्ट टू पावर ए एक्स और वी की फॉर्म में, किसमें कन्वर्ट हुआ, ई रेस्ट टू पावर ए एक्स और वी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और इसका सॉल्यूशन हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, आज की वीडियो में भी कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। क्या आएगा सॉल्यूशन, हमने मान लिया कि ई की पावर आईटा एक्स सॉल्व हो चुका है, इट मीन्स हमें क्या रखना है, डी की जगह डी प्लस आईटा रखना है। तो देखो सॉल्यूशन क्या हुआ, डी स्केयर डी प्लस आईटा का स्केयर, ये तो डी हो गया, प्लस वन डी स्केयर प्लस वन, और होल स्केयर है होल स्केयर, ई की पावर आईटा एक्स सॉल्व हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, एक्स स्केयर। तो ई की पावर आईटा एक्स वन अपॉन, ब्रैकेट ओपन करें तो डी स्केयर प्लस आईटा स्केयर प्लस टू आईटा डी प्लस वन। इसे अगर आगे सॉल्व करें तो आईटा स्केयर की जगह माइनस वन, तो देखो क्या आएगा, पी आई इज इक्वल टू ई की पावर आईटा एक्स वन अपॉन डी स्केयर प्लस आईटा स्केयर। तो हम क्या लिखेंगे, डी स्केयर प्लस आईटा स्केयर की जगह माइनस वन प्लस टू आईटा डी प्लस वन का होल स्केयर और एक्स स्केयर का रियल पार्ट, एक्स स्केयर का रियल पार्ट। ओके, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ई की पावर आईटा एक्स प्लस वन माइनस वन कैंसिल, डी स्केयर प्लस टू आईटा डी का होल स्केयर और एक्स स्केयर का रियल पार्ट। ओके, अब अगर वैल्यू यानी अगर क्यू की वैल्यू एक्स की फॉर्म में है, x की पावर n की फॉर्म है, अगर q की वैल्यू x की पावर n की फॉर्म है, तो हमें इसे कन्वर्ट किस में करना है, 1 प्लस फंक्शन ऑफ d में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 आईटा d कॉमन लिया, इसका होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर में कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पर, 1 प्लस d अपॉन 2 आईटा का होल स्क्वायर, x स्क्वायर का रियल पार्ट। ओके, e की पावर आईटा x, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 आईटा स्क्वायर d स्क्वायर, अगर ये 1 प्लस फंक्शन ऑफ डी में कन्वर्ट हो जाए तो इसे मल्टीपल में ले जाओ इनवर्स करके, का की पावर माइनस टू एक्स स्क्वायर का रियल पार्ट। ये क्या देगा हमारे पास, ई की पावर आईटा एक्स 1 बाय 4 आईटा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। इनवर्स को कैसे सॉल्व करेंगे हम, 1 प्लस एक्स की पावर एन के फॉर्मूले से। अब यहाँ पर कितने स्टेप तक सॉल्व करना है, जहां तक एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पॉसिबल है, मीन्स स्क्वायर तक। तो देखो 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह 2, एक्स की जगह 2 अपॉन आईटा, प्लस एन यानी माइनस 2, एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2, एक्स का स्केयर करेंगे तो ये क्या देगा, डी स्केयर अपॉन 4 आईटा स्केयर एंड सो ऑन, एक्स स्केयर का रियल पार्ट। ओके, माइनस ई रेस टू पावर आईटा एक्स 1 अपॉन 4 डी स्केयर, 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल, तो डी अपॉन आईटा, यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, लेकिन आईटा स्क्वायर भी है तो माइनस, क्या बच रहा है, 3 बाय 4 डी स्क्वायर एंड सो ऑन और एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या देगा का रियल पार्ट। इट मीन्स कंप्लीट के सॉल्यूशन का रियल पार्ट लिखना है हमें। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, पी आई इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू पावर आईटा एक्स 1 अपॉन 4 डी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस डी अपॉन आईटा एक्स स्क्वायर और माइनस 3 बाय 4 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन का रियल पार्ट। ओके, तो ई रेस टू पावर आईटा एक्स 1 अपॉन 4 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन आईटा, डी एक्स स्क्वायर का मीन्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 3 बाय 4 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मीन्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर का सेकेंड डेरिवेटिव, प्लस नेक्स्ट एक्स स्क्वायर का थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा जो कि 0 के इक्वल होगा का रियल पार्ट। ई की पावर आईटा एक्स 1 अपॉन 4 डी स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स अपॉन आईटा माइनस में 3 बाय 2 का रियल पार्ट। एलसीएम क्या आ रहा है यहाँ से, माइनस ई रेस्ट पावर आईटा एक्स 1 अपॉन 4 डी स्क्वायर। अब अगर अपॉन में आईटा आ जाए तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अपॉन में आईटा को रिमूव किया जाता है, तो यहाँ पर आईटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 3 अपॉन 2 का रियल पार्ट। ई की पावर आईटा एक्स
1 upon 4d square x square minus 2x iota अपॉन में आइटा स्क्वायर आ रहा है, आइटा स्क्वायर का मीन्स माइनस वन, माइनस थ्री बाय टू का रियल पार्ट। अब यहाँ पर क्या है, वन अपॉन डी स्क्वायर, डी स्क्वायर का मीन्स क्या हो जाएगा, हमें सेकंड डेरिवेटिव करना है, तो एक्स स्क्वायर का सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव क्यूब, सेकंड डेरिवेटिव फोर, थ्री मल्टीपल फोर यानी ट्वेल्व, टू आइटा एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव क्यूब टू और थ्री सिक्स, माइनस थ्री बाय टू, फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर बाय टू का रियल पार्ट। ओके नेक्स्ट, यहाँ पर टू और थ्री कैंसिल हो रहा है, टू और सिक्स कैंसिल हो रहा है, तो नेक्स्ट क्या देगा हमारे पास, ई की पावर आयोटा एक्स वन बाय फोर, एलसीएम क्या आ रहा है यहाँ पर, ट्वेल्व, ट्वेल्व फोर जा फोर्टी एट, एलसीएम लिया ट्वेल्व तो एक्स फोर प्लस में फोर आइटा एक्स क्यूब माइनस में नाइन एक्स स्क्वायर का रियल पार्ट। अब इसमें से हमें रियल पार्ट को कलेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले हमारे पास ई की पावर आइटा एक्स भी है, तो माइनस वन बाय फोर्टी एट ई की पावर आइटा एक्स, अभी आपको बताया था कोस एक्स प्लस आइटा साइन एक्स मल्टीप्लाई एक्स फोर प्लस फोर आइटा एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर का रियल पार्ट। अब या तो ब्रैकेट खोलकर ओनली रियल पार्ट को कलेक्ट कर लो, या पूरा ब्रैकेट खोल दो नेक्स्ट स्टेप में रियल पार्ट, देखो क्या आएगा, एक्स फोर कोस एक्स ब्रैकेट ओपन करें, फोर आइटा एक्स क्यूब कोस एक्स माइनस नाइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस में आइटा एक्स फोर साइन एक्स, नेक्स्ट क्या रहा है, आइटा साइन एक्स प्लस में फोर एक्स क्यूब आइटा स्क्वायर साइन एक्स, नेक्स्ट है माइनस नाइन एक्स स्क्वायर आइटा साइन एक्स का रियल पार्ट। ओके अब इसमें से ओनली रियल पार्ट को कलेक्ट कर लो, तो फर्स्ट पार्ट रियल है, रियल का मीन्स जिसमें आइटा नहीं है, सेकंड में आइटा है तो ये इसे हमें कलेक्ट नहीं करना, नेक्स्ट नाइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स विदाउट आइटा है, नेक्स्ट आइटा है तो इसे छोड़ दो, इस स्टेप में आइटा तो है लेकिन आइटा स्क्वायर की फॉर्म है, आइटा स्क्वायर का मीन्स क्या होता है माइनस, तो हमने आइटा स्क्वायर को रिमूव कर दिया, माइनस में कन्वर्ट कर दिया, फोर एक्स क्यूब साइन एक्स, और लास्ट स्टेप में भी आइटा है तो उसे नहीं लिखोगे, हमने ओनली रियल पार्ट को कलेक्ट किया, तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या रियल पार्ट रिमूव हो जाएगा, इट मीन्स पी आई की वैल्यू हमारे पास आ गई, लास्ट में क्या लिखते हैं हम, वाई क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई के इक्वल होता है, तो सी एफ क्या था हमारे पास, वाई इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स कोस एक्स प्लस सी थ्री प्लस सी फोर एक्स साइन एक्स, प्लस में पी आई की वैल्यू क्या है, वन बाय फोर्टी एट एक्स फोर कोस एक्स माइनस नाइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स और माइनस में फोर एक्स क्यूब साइन एक्स, जो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ओके आगे समझ में, नेक्स्ट सेम मेथड से हम एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डी स्क्वेयर माइनस फोर डी प्लस फोर वाई इज इक्वल टू एट एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एक्स साइन टू एक्स, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें, सबसे पहले सी एफ कैलकुलेट करेंगे, तो सी एफ के लिए हम क्या करेंगे, एम स्क्वेयर माइनस फोर एम प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, या एम माइनस टू का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, एम इज इक्वल टू टू एंड टू, तो सी एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, सी वन प्लस सी टू एक्स ई रेज टू पावर टू एक्स। ओके पी आई के लिए क्या करेंगे, वन अपॉन एफ डी डी स्क्वेयर माइनस फोर डी प्लस फोर मल्टीप्लाई एट, एट कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लिया, ई की पावर टू एक्स, एक्स स्क्वेयर है तो एक्स स्क्वेयर को यहाँ पर लिख लिया साइन टू एक्स, मीन्स फॉर्मूला कौन सा आ जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई बी के लिए, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो फॉर्मूला अप्लाई करें एट, यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं डी माइनस टू का होल स्क्वेयर ई की पावर टू एक्स एक्स स्क्वेयर साइन टू एक्स। ओके पी आई इज इक्वल टू एट मल्टीप्लाई, अब अगर ई रेस्ट पावर का फॉर्मूला अप्लाई करें तो ई रेस्ट पावर के फॉर्मूले में क्या आ जाएगा हमारे पास, डी की जगह हम क्या करेंगे डी प्लस टू पुट कर लेंगे, इट मीन्स ई रेस्ट पावर टू एक्स सॉल्व हो जाएगा, तो डी की जगह डी प्लस टू किया माइनस टू, यहाँ पर क्या रह जाएगा एक्स स्क्वेयर साइन टू एक्स, प्लस टू माइनस टू कैंसिल हो गया,
तो 8 ई रेज टू पावर 2x और इसका होल स्क्वायर 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन 2x। अब यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर में है और साइन में है, तो क्या करेंगे हम, साइन 2x की फॉर्म में है। तो देखो अगर हम लिखे कोस 2x प्लस आयोटा साइन 2x तो ये किसके इक्वल होगा, e की पावर आयोटा x होता है तो यहाँ पर x लिखा जाता है, यहाँ पर क्या जाएगा 2 आयोटा x। तो साइन 2x क्या हुआ हमारे पास, साइन 2x किसके इक्वल होगा, e की पावर 2 आयोटा x का इमेजनरी पार्ट, ये होगा ना। तो साइन 2x की जगह हम क्या पुट करेंगे, e की पावर 2 आयोटा x का इमेजनरी पार्ट। तो pi इज इक्वल टू ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो pi इज इक्वल टू 8 e की पावर 2x। अब फिर से क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, e रेस्ट पावर में और v में। तो d की जगह हमें क्या पुट करना है, d प्लस 2 आयोटा। जब d की जगह d प्लस 2 आयोटा पुट करेंगे तो e की पावर 2 आयोटा x सॉल्व हो जाएगा। d की जगह हमने रखा d प्लस 2 आयोटा, d का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, क्या बचा यहाँ पर x स्क्वायर और यहाँ पर का इमेजिनरी पार्ट। ओके तो ये क्या देगा 8 e रेस्ट टू पावर 2x, e रेस्ट टू पावर 2 आयोटा x। इसे यहाँ पर x में वैल्यू है, अगर x में वैल्यू है तो अपॉन में हमें क्या करना है, 1 प्लस फंक्शन ऑफ t यानी 2 आयोटा कॉमन लिया तो स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस d अपॉन 2 आयोटा का होल स्क्वायर x स्क्वायर का इमेजिनरी पार्ट। जब ये 1 प्लस फंक्शन ऑफ d में कन्वर्ट हो जाए तो इसे मल्टीपल वैल्यू में ले जाएंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन 4 आयोटा स्क्वायर 1 प्लस d अपॉन 2 आयोटा की पावर माइनस 2 x स्क्वायर का इमेजिनरी पार्ट। ओके नेक्स्ट 8 e की पावर 2x e की पावर 2 आयोटा x 1 बाय 4 आयोटा स्क्वायर का मीन्स होता है माइनस, तो हमने माइनस लगा लिया। इनवर्स को सॉल्व करना है कहाँ तक, सेकंड डेरिवेटिव तक, तो 1 माइनस प्लस और n के 1 प्लस n की जगह माइनस 2 x की जगह d अपॉन 2 आयोटा प्लस n n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2 और x का स्क्वायर यानी d स्क्वायर अपॉन 4 आयोटा स्क्वायर एंड सो ऑन का x स्क्वायर और का इमेजिनरी पार्ट। ओके यहां पर देखो 4 2 जा 8 माइनस 2 e रेज टू पावर 2x e रेज टू पावर 2 आयोटा x 1 माइनस d अपॉन आयोटा। यहां पर देखो 2 से 2 कैंसिल माइनस माइनस प्लस लेकिन अपॉन में आयोटा स्क्वायर है तो माइनस 3 बाय 4 डी स्क्वायर एंड सो एक्स स्क्वायर का इमेजिनरी पार्ट। ओके माइनस 2 ई रेज टू पावर 2x ई रेज टू पावर 2 आयोटा x एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आयोटा डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाय 4 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन का इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट क्या देगा माइनस 2 ई रेज टू पावर 2x ई रेज टू पावर 2 आयोटा x एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आयोटा। एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x और अपॉन में आयोटा आ जाए तो हम मल्टीप्लाई आयोटा डिवाइड आयोटा करेंगे माइनस 3 बाई 4। एक्स स्क्वायर का सेकेंड डेरिवेटिव नेक्स्ट एक्स स्क्वायर का थर्ड डेरिवेटिव 0 हो जाएगा का इमेजिनरी पार्ट। माइनस 2 ई रेज टू पावर 2x e रेज टू पावर 2 आयोटा x एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन में देखो आयोटा स्क्वायर आ रहा है तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 आयोटा x माइनस में 3 बाय 2 का इमेजिनरी पार्ट। ओके माइनस 2 e रेज टू पावर 2x e की पावर 2 आयोटा x तो इसे हम क्या लिख सकते हैं cos 2x प्लस आयोटा sin 2x मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 2 आयोटा x माइनस 3 बाय 2 का इमेजिनरी पार्ट। ओके अब ब्रैकेट खोलना है, ब्रैकेट खोलकर हमें कौन सी वैल्यू लिखनी है, ओनली इमेजिनरी काल्पनिक वैल्यू। अब देखो काल्पनिक, अगर cos 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो रियल वैल्यू आ रही है, cos 2x को 2 आयोटा x से किया तो आयोटा में वैल्यू आ रही है ना, तो 2x cos 2x हमने सिर्फ आयोटा की वैल्यू लिखनी है। नेक्स्ट वैल्यू विदाउट आयोटा आएगी 3 बाय 2 में। नेक्स्ट आयोटा sin x को x स्क्वायर से करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट ले लिया तो आयोटा नहीं लिखेंगे x स्क्वायर sin x। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा आयोटा का आयोटा से मल्टीप्लाई जो कि रियल बन जाएगा। नेक्स्ट आयोटा sin x का 3 बाय 2 से किया तो 3 बाय 2 sin x हमने ओनली इमेजिनरी पार्ट कलेक्ट किया तो इमेजिनरी पार्ट यहां से खत्म हो जाएगा। ओके
ओके एंस y इज इक्वल टू cf प्लस pi. cf की वैल्यू क्या थी हमारे पास c1 प्लस c2x e रेस टू पावर 2x और pi की वैल्यू माइनस 2 e की पावर 2x और ये pi की वैल्यू थी जो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन. आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे. अगर हमारे पास क्वेश्चन x मल्टीपल में आ रहा है या फिर x स्क्वायर मल्टीपल में आ रहा है तो हमें क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करना है. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो. और अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है क्योंकि इस चैप्टर को हर एक पार्ट को करने से पहले हमें पीछे का पार्ट पता होना चाहिए तो आप आई बटन पर क्लिक करके मेरी लास्ट वीडियो पर जा सकते हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. धन्यवाद. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के लास्ट टॉपिक.